कि हम दोनों मैच हार जाएंगे, थ्रू हो जाएंगे। आरसीबी के चांसेस हैं, ये मत सोचिएगा कि आरसीबी के चांसेस नहीं है भाई। आरसीबी, डीसी, एलएसजी, एसआरएच, सीएसके, इन सब के चांसेस हैं। एसआरएच और सीएसके तो ऑलरेडी टॉप फोर में है, लेकिन सब के चांसेस है। मजेदार बात यह है जिस तरीके से इनकी इनका मोमेंटम लगा हुआ है ना आरसीबी का, इनको हराएगा कौन? मुझे तो लगता है दिल्ली के लिए मुश्किल है इनको हराना और सीएसके के लिए। एक बात बोली थी, बस एक बात बोलूंगा कि आरसीबी के फैंस मुझे मैसेज भी करते हैं, बात भी होती है कि कैलकुलेटर कैलकुलेटर खोल लीजिए भाई, क्योंकि अब मौका आ चुका है। अब जरूरत पड़ गई कैलकुलेटर खोलने का, जेन्युइनली मौका आ गया है। कुछ लोगों को लग रहा था जेन्युइनली कि ये तुक्का है कि आरसीबी दो मैच तीन मैच जीत गई, लेकिन हम आज चौथा कंसेक्यूटिवली मैच जीते यार। ऐसा नहीं है कि मोमेंटम नहीं लेके आ रहे भाई, चार मैच जीटी को हराया, वन साइडेड यार। आपको मैं एक एक करके बताऊं, एसआरएच वाली जीत वन साइडेड, जीटी वाले में 16 ओवर में चेस, फिर 13.4 ओवर में चेस, आज 60 रनों से हराया है। तो आरसीबी जागी भले ही लेट है, लेकिन भाई चमत्कार को नमस्कार है। एंड कैलकुलेशन जितनी मर्जी लगा लो, अगर गलती से चेन्नई सुपर किंग्स तीन में से दो मैच हार जाती है, अगर दिल्ली कैपिटल्स अपना एक भी मैच हार जाती है वो तो हारेगी, अगर तुमसे जीतेगी पूरी की पूरी गेम फंस जाएगी। और आरसीबी एक एक करके जिस हिसाब से नेट रेट ऊपर कर रहा है, देखो भाई ये भी बेहतर कर रहे हैं, ये भी बेहतर कर रहे हैं। बता दूं अभी, देखो जैसे अभी आपको समझाया है, एसआरएच तीसरे स्पॉट पे, आरसीबी क्या चाह रही है कि भाई या तो एसआरएच, चलो सारे सिनेरियोस देखो, एसआरएच के किससे मैचेस हैं, एसआरएच का पंजाब और जीटी, एसआरएच का पंजाब और जीटी, अगला जीटी, फिर आरसीबी चाह रही है बेस्ट केस सिनेरियो फॉर आरसीबी, एसआरएच दोनों मैच हार जाए। दोनों मैच हार जाए, एसआरएच की नेट रन रेट बिल्कुल टच एंड गो है, और अगर दोनों मैच हारती है एसआरएच और आरसीबी दोनों मैच जीतती है, आरसीबी की नेट रन रेट बेटर हो जाएगी और पॉइंट्स इक्वल होंगे 14 पॉइंट, ठीक है। सीएसके पे आ जाओ, सीएसके 11 में 6 जीती हुई है, आरसीबी ये चाहती है कि भाई सीएसके अब तीन में से मैक्सिमम एक मैच और जीते, सारे मैच हार जाए, या फिर अगर सारे हार जाए तो सोने पे सवार, सारे जीत जाए, सारे सीएसके अगर सारे सीएसके हार जाए, ये पॉसिबिलिटी से आप डिनाई नहीं कर सकते कि अगर वाकई सीएसके सारे मैच हार जाए, जो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, चलो तीन में से दो हार जाए, तीन में से दो हार जाए, क्योंकि नेट रन रेट तो सीएसके के मैचेस है राजस्थान, हारोगे तो नेट रन रेट कम होगा। सीएसके के मैचेस है राजस्थान रॉयल्स, सीएसके के मैचेस है साथ में जीटी, चलो वो जीत जाए और सीएसके का मैच है आरसीबी, तो आरसीबी की किस्मत सीएसके के मामले में खुद के हाथ में आ सकती है, डीसी के मामले में भी। हाँ बिल्कुल, डीसी पे तो अभी आने दो, सीएसके की बात कर रहा हूँ तो। और सीएसके की जहां तक बात है भाई, सीएसके का आरआर वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीएसके को पता है इस टाइम पे आरसीबी से पंगा लेना, जब जुनून चढ़ा हुआ है कि भाई जो आरआर रौंद रहे हैं, जो आरआर रौंद रहे देख भी नहीं रहे, उनसे जीतना मुश्किल है भाई इस टाइम पे। तो सीएसके चाह रही है कि कम से कम पहले तो जीटी, अगला मैच जीटी से है, जीटी से कल मैच है, तो सीएसके को पहले वो मैच जीते और 14 पॉइंट पे अपने पहले आए, क्योंकि नेट रन रेट अच्छी खासी है, तो नेट रन रेट की अगर बात फंसती है तो सीएसके थ्रू हो सकती है। लेकिन सीएसके आरआर सीएसके के लिए एक नॉकआउट मैच हो सकता है कि अगर आरआर से हार गए तो फिर अगर आरसीबी ने बोला अच्छा जी हमें मौका मिला, अगर हम इनको हराए तो आ जाओ बेटा हमारे सामने, तो आरसीबी भाई पॉसिबिलिटी है, सच में है, ये मत सोचो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आ जाओ डीसी पे, डीसी के लिए भी जो दोनों मैचेस है ना, डीसी को दोनों मैचेस जीतने, और डीसी का अगला मैच आरसीबी के साथ ही है। आप ये देखो सबकी किस्मत एक दूसरे के हाथ, और सबसे बड़ी बात क्या है, आरसीबी की खुद की किस्मत उन्हीं के हाथ में, भाई हरा दो डीसी को, खत्म, डीसी एलिमिनेट है, सीएसके को भी हरा दो। अगर पहले तो डीसी को एक एक करके चलो, पहले सीएस, अच्छा आपका अगला मैच किसके साथ, डीसी से, डीसी से, आपका अगला मैच डीसी के साथ है, आप डीसी को हराओ, डीसी एलिमिनेटेड, बिल्कुल, क्योंकि डीसी की नेट रन रेट इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो आरसीबी की एलिमिनेट तो उस टाइम पे तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि आरसीबी की किस्मत अपने हाथ में, अगर सीएसके को हरा दे तो डीसी से ऊपर आ जाएंगे, शायद सीएसके से भी ऊपर आ जाए अगर सीएसके आरआर से हारी होगी तो। भाई ये कुछ पागलपन हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांसेस जो है ना, आरसीबी भी आ सकती है, डीसी अगर आरसीबी को हरा दे डीसी भी आ सकती है, सीएसके भी बाहर हो सकती है, एसआरएच भी बाहर हो सकती है। देखो डीसी और आरसीबी का जो मैच है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डीसी आरसीबी का तो बहुत क्रूशल मैच है ही है, लेकिन एसआरएच के जो बाकी मैचेस हैं, अगर जीटी का है या एसआरएच का पंजाब के साथ है, ये देखो एसआरएच वाले दोनों, एसआरएच को जीतना बनता है, बाय द वे कल एक और इंपॉर्टेंट मैच है, अगर कल जीटी सीएसके का मैचेस, अगर सोचे 1% जीटी ने हरा दिया, वैसे ही बोलो, देखिए एसआरएच वाले जो दोनों है, लेट्स बी ऑनेस्ट, एसआरएच दोनों मैच जीतेगी, जीटी के साथ और एसआरएच के साथ और पंजाब के साथ, एसआरएच का मैच है वो, एसआरएच पंजाब का हो गया भाई, एलिमिनेट नहीं हो रहा उनसे, तो एसआरएच को वो दोनों मैचेस जीतने चाहिए। मैं एसआरएच को थोड़ा सा
आगे रख रहा हूं बिकॉज उनके मैचेस रिलेटिवली इजी लग रहे हैं. जहां तक सीएसके की बात है भाई, अगर कहीं गलती से कल का मैच हार गए ना, अगर कहीं गलती से कल का मैच हार गए और 12 में 6 हो गए तो ताथैया हो भी हो जाएगा. और डीसी और आरसीबी का ये मैच इट विल बी वन फॉर द एजेस. दोनों देखो, दोनों की दोनों डीसी भाई आरआर को हरा के आ रही है. आप डीसी को सोच रहे हो कुछ ना करा, डीसी आरआर को हरा के आ रही है और गंदे पोजीशन से जीत के आई है. और डीसी की बॉलिंग इनसे बेटर है, लेकिन आरसीबी पे जो चंडी चढ़ी हुई है भाई इस टाइम पे, वो कुछ नहीं देख रहे. वो सीधा लाशों के ऊपर पैर आगे बढ़ रहे हैं. ऐसा ही लग रहा है. अतले आम, उसमें भी ये है, अतले आम मचा रखा है. अच्छा, अगर कल जीटी अच्छे मार्जिन से जीत गया तो भाई जीटी के भी 10 पॉइंट, जीटी और आरसीबी बराबर हो जाएंगे. एक सपना बताओ आपको, जीटी की तो माइनस 1 पॉइंट थी. आरसीबी के फैन का एक सपना होता है कि भाई सीएसके से आपका एक टाइट मैच हो. आपको एक क्वेश्चन बताऊं, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो सकता है 18 तारीख को सीएसके वर्सेस आरसीबी. इक्वेशन बताता हूं आपको कि दिल्ली कैपिटल्स अगर अपने बचे हुए मैच में एक भी मैच हार जाता है, अरे वो तो आपसे है ही ना, तो ये फट जाएंगे. गलत तरीके से बता, सीएसके तो जाने का, चलो सीएसके जाने से पहले आपको पहली बात है डीसी का तो मैच जीतना ही जीतना है. उसमें तो आप कुछ बोलो ही मत ना. डीसी का मैच अगर आप हार गए तो आप बाहर हो. चलो डीसी वाला मैच, डीसी वाला मैच जीतना ही जीतना है. आरसीबी डीसी वाला मैच हम जीत जाते, चलिए मैंने बोला कि वहां पे हमको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, है ना जी. लेकिन उसके साथ हमें क्या सिचुएशन चाहिए, अगर सीएसके वर्सेस आरसीबी आपको वर्चुअल सीएसके वर्सेस आरआर हरा दे सीएसके, या फिर जीटी कोई एक टीम हरा, जीटी वाला मैच भले जीत जाए, जीटी वाला मैच सीएसके भले ही जीत जाए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स वाला मैच जो कि चिपॉक में खेला जाएगा वो चेन्नई हार जाए. हम आपके लिए एक सेकंड, अगर सोचो कल भी हार जाए और आरआर भी हरा दे तो आपके लिए तो और फायदा है. आपके लिए आप डीसी को हराओ और उसके बाद सीधे हरा दो, ये तो ड्रीम सिनेरियो है. हां ड्रीम सिनेरियो के लिए, हां बिल्कुल. आप ऐसे तो मैं बोलूं एसआरएच भी दोनों हार जाए. नहीं नहीं सीएसके, सुनो ना, अगर आप बोल रहे हो कल भी हार जाए जीटी से, मैं बोलूं एसआरएच भी हार जाए जीटी से, और बोलूं एसआरएच भी हार जाए पंजाब से, अगर जीटी दोनों और आरसीबी दोनों, अगर जीटी ने दोनों को हरा दिया जीटी भी ऊपर आ जाएगी, फिर सीएसके ने दोनों को हरा दिया तो जीटी भी ऊपर आ जाएगी. आप ऐसे बोल रहे हो कि सीएसके हार जाए जीटी से भी, सीएसके हार जाए किससे, जब हम आरसीबी की बात कर रहे हैं तो इतना फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो ही रही है. मैं चाह रहा हूं दोनों आ जाए. अच्छा एक दोनों एक सिचुएशन है इस बीच में, लखनऊ का, अरे लखनऊ बता रहा हूं, लखनऊ बाहर सीएसके वर्सेस आरसीबी नॉकआउट वर्चुअल होने के लिए, लखनऊ का चांस है वर्चुअल नॉकआउट होने के लिए 3 रिजल्ट चाहिए. मैं बता रहा हूं वो 3 रिजल्ट क्या होने चाहिए. अगर सीएसके आरसीबी नॉकआउट होना है तो उसमें यह है कि सीएसके अपना जीटी से मैच हारे या फिर आरआर से हारे, एक हार जाए ठीक है, अभी दोनों में से ठीक है। ये हो गया पहला रिजल्ट ठीक है. दूसरा वहां पे रिजल्ट चाहिए आरसीबी डीसी से, आरसीबी डीसी तो जीतना ही पड़ेगा तभी तो बनेगा वो एक रिजल्ट हो गया. और तीसरा रिजल्ट चाहिए कि डीसी एलएसजी को हराए. वो तो हरा देगी डीसी, प्लीज वो डीसी हरा देगी, तब जाके आरसीबी का खात्मा हो जाएगा और एसआरए थ्रू भी हो जाएगी ना. बहुत एसआरए थ्रू भी हो जाएगी तो सीएसके वर्सेस आरआर इंटरेस्टिंग बन गया. मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं क्या होने वाला है. अच्छा लेकिन उसमें भी ये है कि सीएसके का नेट बेहतर है भाई साहब, तो आप 14 पे भी आइएगा तो आप सुनिए तो सही. अगर डीसी हार गई भाई, ये देख लेंगे, एक सेकंड रुक जाओ मेरा कंसंट्रेशन. अगर डीसी हार गई आरसीबी से तो डीसी बाहर है, पता है क्यों. अगर डीसी जीत भी जाए एलएसजी से कोई 500 रन से नहीं जीतने वाली, नेट रन रेट इतनी कम है. नहीं मैं आरसीबी सीएसके का बता रहा हूं. भाई रुकिए तो सही, पहले डीसी का भी तो रेकनिंग में है. मैं एक एक करके कर रहा हूँ क्योंकि पहला मैच होगा आरसीबी वर्सेस डीसी. सीएसके को तो भी साइड रखो, आप तो वैसे ही बाहर हो जाओगे. पहले शुरू करिए आप डीसी वर्सेस आरसीबी से. डीसी वर्सेस आरसीबी इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट नॉकआउट मैच. बिल्कुल, जो भी वो मैच हारा, देखो आरसीबी बाहर गई तो बाहर है ही, तो बाहर ही है, वो तो बच ही नहीं सकते. डीसी हार गई तो हाँ इनको लगेगा भाई कि लास्ट मैच लखनऊ से जीत जाए, 5 ओवर में उनको ऑल आउट कर दे, 100 रन मारने नहीं होने वाला. तो डीसी के लिए भी वो नॉकआउट ही है. सीएसके और जीटी कल है, अगर कल सीएसके जीतती है तो आपका बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा, बिकॉज आप 14 पॉइंट पे भी हो गए, आपकी नेट रन रेट और इजाफा हो जाएगा. और देखो नेट रन रेट आरसीबी की अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है भाई, 0.5 दूर है आपसे. तो सीएसके का कल का मैच, उसके बाद जो आपका बाद का मैच है आरआर वाला, वो देखना पड़ेगा आपको कि आप अगर हारते हो तो कितने मार्जिन से हारते हो, और फिर लास्ट में आरसीबी वर्सेस सीएसके उसमें देखना पड़ेगा कितने मार्जिन से. अगर आप क्लोज भी मैच हारोगे तो भी आप थ्रू, 14 पे निकल सकते हो. निकालना वही तो बता रहा हूं, एनआरआर बेहतर है. मैं इसीलिए बोल रहा हूं सीएसके को नॉकआउट करना बहुत मुश्किल है. प्रे करो एसआरएच भी दोनों मैच हार जाए,
तब जाके कुछ मामला एनआरआर से वैसे और आपके लिए बेस्ट सिनेरियो पता है क्या हमारे लिए 14 पॉइंट भी जीता हुआ है बेस्ट सिनेरियो ये तो क्या हो गया तो क्या दो हारेंगे तो 14 पे खत्म हो जाएगा दो हारेंगे तो 14 पे खत्म हो जाएगा अच्छा एक और चीज हो सकती है मुश्किल अच्छा एक चीज और जीटी के साथ अरे मैं बहुत मुश्किल है सीएसके को बाहर करना बहुत मुश्किल हो सकता है अच्छा एक सेकंड सीएसके के लिए एक चीज है कल अगर जीटी सीएसके को हरा दे इन केस अगर 12 तारीख को आरआर भी सीएसके को हार जाए नहीं अरे मैं एक चीज मैं वो आरसीबी वर्सेस सीएसके पे आ रहा हूँ फिर जो लास्ट में आरसीबी वर्सेस सीएसके होगा भाई जो जीतेगा वो पहुंचेगा सर जी मैं सिंपल बात यही है अगर आरसीबी को पहुंचना है ना सीएसके को तीनों मैच हारने पड़ेंगे या तो सीएसके को तीनों मैच हारने हैं या एसआरएच को दोनों मैच हारने हैं एक को तो हारने पड़ेंगे प्लस उनको ये होप करना है कि डीसी एक ही जीते सिंपल गणित है नो नेट रन रेट नो फालतू का ड्रामेबाजी या तो आप ये चाहो कि एसआरएच दोनों हार जाए या आप ये चाहो सीएसके तीनों हार जाए और उसके बाद भी आप ये दुआ करो कि डीसी एक ही जीत डीसी तो ऑब्वियसली डीसी आरसीबी को दोनों हराने हैं तो डीसी को तो हराना ही पड़ेगा सीएसके को भी हराना ही पड़ेगा पहली तो शर्त ही यही है कि आरसीबी डीसी को हराए हरा देंगे और अगर कल जीतता है सीएसके जीटी से तो हम आरसीबी को हरा के आगे आ जाएंगे अगर कल सीएसके जीटी चली गई तो फिर बात बोलूं बहुत कम प्रोबेबिलिटी है पर है जरूर आरसीबी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बाय द वे डीसी की है और आरसीबी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस टाइम पे एलएसजी की है एलएसजी को भाई साहब दो मैच है दो जीत गए तो 16 पे खत्म करेंगे ये तो 16 पे पहुंच ही नहीं सकते यार इनके काश 12 में 12 होते पापी 12 में 12 होते पाप नहीं छोड़ते भाई पता क्या मैं आप लोग उम्मीदें बना रहे हो क्वालिफिकेशन सिनेरियो बना रहे हो हाँ आपका आउटसाइड चांस है लेकिन आपने जो बात बोली कि दिल्ली कैपिटल्स का ज्यादा चांस है तो अगर आप एलएसजी का भी ज्यादा है मैं भी कह रहा हूँ ना कि डीसी और आरसीबी वाले मैच में जो ज्यादा प्रेशर होगा ना वो आप पे होगा हम पे नहीं होगा हम तो जीत रहे भाई हम तो भारी वैसे भी हम तो वैसे भी भारी एक चीज अभी अब ये सोच के खेल रहे हो कि पहुंच सकते हैं मेरी बात सुन लीजिए अब ये जो इतनी बकवास हुई ना इतनी देर वो आपने अर्न किया है एंड ऐसा नहीं है कि आपके प्लेयर्स को नहीं पता हर जगह आज सोशल मीडिया पे ये हो रहा है कि आरसीबी प्लेऑफ क्वालिफिकेशन सिनेरियो और ये प्लेयर्स को भी पता है और ये डिस्कस भी करेंगे कि हमें कितने में खेलना है हमें कितनी रेट रन रेट से खेलना है हमें कैसे खेलना है तो ये मत सोचो पहले तो उनको उम्मीद नहीं थी तब वो चले जा रहे थे घुमा रहे थे अब जब खड़े होंगे कि भाई डीसी से हार गए तो एलिमिनेटेड ई तो अभी तक नहीं लगा ना ई लगा है क्या उस पे ही लग गया पंजाब पे ही लग गया जीटी पे लग जाएगा आप पे तो नहीं लगा ना अगर उनको पता है कि अगला मैच हारेंगे तो एलिमिनेट होंगे अभी एलिमिनेट नहीं हो रहे ये मत बोलो कि उनका चांस ही नहीं है उनको पता है कि उनका चांस है दे आर स्टिल अलाइव एंड वेरी मच अलाइव यस वेरी स्लिम चांस बट भाई पहले नहीं हुआ क्या पहले भी ऐसे ऐसे लास्ट मैचेस में हमने देखा है कभी एमआई आई है 14 पे जीतना है कभी 14 ओवर में जीतना है कभी सीएसके आ गई थी सीएसके आ गई थी एक साल बाद आरआर भी गई थी कुछ भी हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है अब वो सिनेरियो दिखा दीजिए जो आपने बनाया था देख लेते एक बार क्या लिखा है आपने वैसे तो हमने सारा एक्सप्लेन कर ही दिया लेकिन देख लेते भाई बट विराट जो इस टाइम पे खेल रहा है ना मुझे लग रहा है कि कोई अलग ही एनर्जी आ गई है भाई कहीं ऐसा ना फाइनल तक ले जाए वो पागल ही हो चुके आरसीबी विंस द रिमेनिंग टू मैचेस विद अ गुड मार्जिन GT and RR need to beat CSK. GT and RR need to beat CSK. नहीं तो आप वो भी बोल लीजिए. Back to back match. RCB हाँ. MI beats LSG. KKR और SRH beat GT और GT wins by lesser margin. तो भाई एंड में obviously देखते हैं हाँ ये ठीक है. GT and RCB versus CSK knockout match scenario. GT and Rajasthan Royals beat CSK. RCB beats DC. DC और MI beat LSG. वही तो बताया. LSG भी खेले. हाँ ये तो यही तो बताया. ये तो LSG तो क्योंकि 16 पर पहुंच सकते हैं. यार possible है लेकिन उसके लिए CSK को कल GT से हारना होगा. सुनिए. जो कि बहुत मुश्किल है. कल से ही होगा. मतलब अगर GT ने कल CSK को हरा दिया तो समझिए RCB का कोई चांस आपके लिए अच्छा चांस बनाया आपने. लेकिन डीसी आपका सीजन खत्म करेगी. खत्म करेगी. अच्छा लेकिन एक चीज बताओ. एक सेकंड. वादा दिया ना. आप भले ही शॉट निकाल लेना. भले ही आप ये सेव कर लेना. अब जो मर्जी आ जाओ सामने. हमारा मैच दिल्ली से खेलेंगे. दिल्ली को भी इससे बुरी तरह मारेंगे. मजाक नहीं कर रहा. इससे बुरी तरह मारेंगे बेंगलुरु में. डीसी आरसीबी को हरा रही है. देख नहीं आ रही. आप जो मर्जी मुझे भी लग रहा है. नहीं डीसी आरसीबी को हरा रही है उस दिन. और आरसीबी का खेल खत्म हो